नाजरीन अदा बेवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर के रुकने पार्लियमान राजा अमरेश्वर नायक के फंड के जरिए रायचूर और यादगीर के लिए आज 6 एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में लाया गया। रुकने पार्लियमान राजा अमरेश्वर नायक के अलावा रायचूर जिला इंचार्ज मिनिस्टर हाला पाचा ने इन 6 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए इसका इफ्तिताह किया। इन 6 एम्बुलेंस में 3 एम्बुलेंस रायचूर के लिए मुख्तस की गई जबकि 3 एम्बुलेंस यादगीर के लिए मुख्तस की गई। मौके पर रुकने असेंबली शिवन गौड़ा नायक, सबका रुकने असेंबली पापा रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर अविनाश मेनन, जिला एसपी बी निखिल के अलावा जिला सदर ई विनय कुमार, बीजेपी कायदीन बाबू राव, सैयद नाहिद इमरान और दीगर भी मौजूद थे। ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಇನ್ನ ತಾರೆಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ 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 ಸರ್
ಸರಿ ಬಾಯ್ ಟೋಟಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಟಾಟ್ ಗಿಡ ತೆಗೆದು ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಹೀನ ಏನು ಹೇಳದಂತ ರೈತ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸರ್ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹೋಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರಿ ಸೊ ಅದೇ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೈತೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನೈತೆ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದೈತೆ ಅವ ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಯಮದೊಳಗನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವನು ವಸ್ತು ಹೋಗ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತ ಬೆಳೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಜವಾದ ರೈತ ಏನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಪೂರ್ವವಾದಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 1500 ನಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾ ಕೇವಲ 2 ತಾಸು ಕೊಡಿದೀವಿ 2 ತಾಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು आदाब नाजरीन A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर में जो रुकने पार्लियामान राजा अमरेश्वर नायक का दफ्तर है जो DC ऑफिस के बिल्कुल करीब में और टीपू सुल्तान गार्डन के रूबरू MP साहब का जो दफ्तर है आज यहाँ पर एक खुशी की बात यह है कि 6 एम्बुलेंस की अभी थोड़ी देर पहले रायचूर इंचार्ज मिनिस्टर हालापा आचार्य के हाथों हुई आइए मैं तफसीली बात पूछता हूँ BJP के एक रुकन बाबूराव साहब से सर A1 TV उर्दू में आपका इस्तकबाल शुक्रिया मैं पहली बात तो MP साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ आज 6 एम्बुलेंस हाईटेक एम्बुलेंस दिए उसमें ऑक्सीजन है और एवरीथिंग फैसिलिटीज इसमें पूरे हैं और कोरोना थर्ड वेव स्टार्ट हो गया आपको सब मालूम है और पब्लिक लिए सब एम्बुलेंस 3 यादगिरी को 3 रायचूर को जो भी कोरोना वायरस है लोगों को जो होते इमिडिएट अटेंड करने के विद ड्राइवर के साथ फैसिलिटी के साथ सब आज फंक्शन कर दिए कितने एम्बुलेंस है पूरे छः फैसिलिटी अंदर पूरा ऑक्सीजन है हाईटेक मशीन्स है हाईटेक लैब है एवरीथिंग इज देयर बावजूद उसके कई एक एम्बुलेंस ऐसे हैं जहां पर कभी ड्राइवर नहीं होता तो कोई और नहीं होता कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है नहीं ये हम जो भी 6 दिए आज 6 को ड्राइवर है 3 यादगिरी को है 3 रायचूर को है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन यादगिरी डिस्ट्रिक्ट भी आता साहब को और रायचूर डिस्ट्रिक्ट भी आता 3-3 दिए साहब और इससे पहले हमारा रेलवे को भी उन्होंने कार मोटर डिसेबल्ड पर्सन के लिए सेंक्शन भी हो गया वो अभी जरे दिन में वहाँ भी लोगों का कहना है सिर्फ लेटर दे रहे बाबूराव साहब MP साहब रेकमेंड कर रहे मगर आज तक वो आ रही नहीं है सर तो आपके सामने चाहे हम बोलते नहीं बोलने के बाद काम कर को बता रहे आपको 6 एम्बुलेंस देते बोले 6 एम्बुलेंस भी दिए आप टॉयलेट का पूछे
स्टेशन में बहुत कम है, बोलकर आपका सामने बताया टॉयलेट भी स्टार्ट हो गया काम, तकरीबन कब तक कहाँ तक हो सकता? पूरा 90% काम हो गया और कार मोटर भी सेंक्शन हो गया और टेंडर रहता, टेंडर सिस्टम रहता है सब, बगैर टेंडर के तो कौन सा भी काम नहीं होता रेलवे में। तो आपको एक्सलेटर भी सेंक्शन हो गया। ये अंदाजा कितने बजट के होंगे सर? 6 मिलियन? ये 1.5 करोड़ का है। ठीक है, थैंक यू। ये थे बाबूराव। इसी तरह से मेरे बीच वफ के मुतवक्का सदर सैयद मुख्तार भी आई है, उनसे भी मैं पूछता हूँ। एवन टी वी में आपका सवाल है। आज हमारे शहर के एमपी साहब का, एमपी साहब के ओन बजट में आज 6 गाड़ी दिए एम्बुलेंस, पूरे फैसिलिटी के साथ दिए, और हर जाने कभी भी फ़ोन करो, फ़ोन करो तो एम्बुलेंस आ जाएंगे। गवर्नमेंट के एम्बुलेंस को दे दिए गवर्नमेंट को पूरे 6, और यादगिरी डिस्ट्रिक्ट भी हमारे रायचूर को आएगा, रायचूर डिस्ट्रिक्ट, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट को 3 दिए, रायचूर को 3 दिए। हमारे पास गरीब लोग बहुत है, उसके से एम्बुलेंस का फंड उधर इधर नहीं जाना, वेस्ट नहीं होना बोल के हमारे एमपी साहब क्या करें एम्बुलेंस को ये करें। लास्ट टाइम कोरोना में बहुत परेशान हो गए लोग, किराया नहीं बन सकते, उसके से वो देख के एम्बुलेंस को एम्बुलेंस रखना बोल के उनके बजट में एम्बुलेंस रखे साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एमपी साहब को कितना करे भी शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि कई लोगों का हमेशा एमपी को लेकर कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं कि एमपी का आज तक हमने चेहरा नहीं देखा, एमपी का फ़ंड कौन सा आता है, एमपी आखिर करता क्या है। लोग जैसा कि आप बाबूराव और मुख्तार साहब से भी सुने, अभी जो इंचार्ज मिनिस्टर हालापा आचार्य ने भी कुछ कहा है, उन तमाम चीज़ों को लग के उनका एक जुरिडिक्शन बड़ा होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखने के बावजूद उन्हें यादगिरी भी देखना होता है। बावजूद उसके उनका कहना ये है कि आज 1.5 करोड़ से 6 एम्बुलेंस अनखरीब, वो रेलवे के जो जो उन्होंने वादे किए हैं वो भी पूरा करेंगे। टॉयलेट का काम भी तकरीबन 75% हो गया है। मैं एमपी साहब से भी आगे आपको तफसीली बात कराऊंगा। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू रायचूर से।